रूमेटिक फीवर, रूमेटिक फीवर है क्या? एक इंसान आपके पास आता है जिसको थ्रोट में ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है, मतलब कि स्ट्रेप थ्रोट है, और उसके खिलाफ उसकी बॉडी ने बनाई एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज ने जो नॉर्मल एंटीजन से खिलाफ एक्ट करना था वो तो किया, लेकिन मॉलिक्यूलर मिमिक्री की वजह से वो उसकी अपनी बॉडी की सेल्फ एंटीजन से खिलाफ भी एक्ट करने लग गई। अब जब उसने सेल्फ एंटीजन से खिलाफ एक्ट किया तो उसकी वजह से साइंस एंड सिम्टम्स आए, जिसकी वजह से जो डिजीज़ है रूमेटिक फीवर वो कॉज हो गई। ठीक है, अब उसने एक्ट कहाँ कहाँ किया जो एंटीबॉडी बनी थी? उसने एक्ट किया जी आपके जॉइंट्स पे, हार्ट पे, स्किन पे, बेसल गैंग्लिया पे। ठीक है, अब जॉइंट्स पे जब एक्ट करेगा तो वो पोली आर्थराइटिस कॉज करवा देगा। ठीक है, माइग्रेटरी पोली आर्थराइटिस होता है कि एक जॉइंट इन्वॉल्व हुआ, वो ठीक हुआ तो दूसरा जॉइंट इन्वॉल्व हो गया। फिर हार्ट को इन्वॉल्व करता है, हार्ट की सारी लेयर्स को इन्वॉल्व करता है। इसमें भी जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है ना रूमेटिक फीवर में, वो मायोकार्डाइटिस है। जब मायोकार्डियम इन्वॉल्व होती है उसकी इन्फ्लेमेशन होती है, और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ भी मायोकार्डाइटिस है। अगली जो इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है वो है जो वेल्फ का ऑर्डर है, कि कौन सा पहले इन्वॉल्व होता है, कौन सा बाद में इन्वॉल्व होता है, कौन सा मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व है, कौन सी लीजन कॉमन है। अब उस लिहाज पे आते हैं कि मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व वेल्फ है माइट्रल, फिर आता है एओटिक, फिर आता है ट्राइकस्पिड। तो इसमें जो निमोनिक है वो है मैट। ठीक है, अच्छा इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो याद रखनी है कि माइट्रल जो है, ठीक है, वो लेफ्ट साइड पे है, मोस्ट स्ट्रेसफुल पोजीशन पे है, लेफ्ट वेंट्रिकल के कार्डियक आउटपुट के खिलाफ उसने बंद होना है, जिसका ब्लड प्रेशर सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो माइट्रल वेल्व मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व है, फिर एओटिक आता है, फिर ट्राइकस्पिड आता है। और माइट्रल की ही जो है ना वो लीजन जो है वो याद रखनी है कि अर्ली लीजन होती है माइट्रल रीगर्जिटेशन, और लेट होती है स्टीनोसिस। ठीक है, अर्ली रीगर्जिटेशन, अर्ली रीगर्जिटेशन, ठीक है, लेट स्टीनोसिस, आर है ना इसमें, अर्ली रीगर्जिटेशन। ठीक है, लेकिन अगर वो एक लीजन पूछते हैं कि फीचर क्या है रूमेटिक फीवर का, तो आपने माइट्रल स्टीनोसिस ही कहना है। ठीक है, अगली बात पे आ रहे हैं कि जी सब क्यूटेनियस नोड्यूल्स बन जाते हैं और एरिडीमा मार्जिनेटम हो जाता है, कि पूरे स्किन पे एरिडीमा डेवलप होता है जो कि, और साथ ही साथ जो एंटीबॉडीज हैं वो बेसल गैंग्लिया पे एक्ट करती हैं। जब वो बेसल गैंग्लिया पे एक्ट करती हैं तो उसकी वजह से सिंड्रोम कोरिया हो जाता है। ठीक है, सिंड्रोम कोरिया को हम सेंट वाइटिसिस डांस भी कहते हैं। कोरिया तो है ही, एबनॉर्मल मूवमेंट्स को कहते हैं ना। ठीक है, जब बेसल गैंग्लिया डैमेज हो जाते हैं तो बेसिकली सिंड्रोम कोरिया हो जाता है, और बेसल गैंग्लिया इस केस में जो है वो एंटीबॉडीज एक्ट कर रही है उस पर, तो सिंड्रोम कोरिया हो रहा है। ठीक हो गया, अच्छा अगली चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसके बजवर्ड्स कौन से हैं और जो आपको पता होने चाहिए, कि मैंने तो इसको याद रखा हुआ है AAM। ठीक है, ए से आपके पास आ जाते हैं जी एस्ट्रोफ बॉडीज। ठीक है, कि जब आप देखते हो मायोकार्डियम को तो उसमें एस्ट्रोफ बॉडीज होती है, जिसमें ग्रेन्युलोमा होता है विद जॉइंट सेल्स। ठीक है, इससे आ जाते हैं आपके पास अनिश्को सेल्स। अनिश्को सेल्स जो हैं उसमें एनलार्ज्ड मैक्रोफेजेस होते हैं विद ओवॉइड कैटरपिलर लाइक न्यूक्लिया या रॉड लाइक न्यूक्लियस। ठीक है, और एम से आपके पास आ जाता है मैकेलम पैच। ठीक है, अगर ये तीन लफ्ज, ठीक है, कहीं आ जाते हैं एमसीक्यू में तो आपका फौरन ध्यान रूमेटिक फीवर की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, अनिश्को बॉडीज, अनिश्को सेल्स, एस्ट्रोफ बॉडीज एंड मैकेलम पैच। ठीक हो गया, एक और चीज जो कभी कभी पूछी जाती है वो ये है कि इनिशियल प्रेजेंटेशन क्या होती है रूमेटिक फीवर की, तो उसमें पहले जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, और एक और जो पूछी जाती है वो ये है कि नॉर्मल माइट्रल वेल्व का एरिया क्या है, तो 4 to 6 cm² है। इसके अलावा एक चीज जो पूछी जा सकती है वो ये है कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है या प्रोफाइलेक्सिस क्या है, तो उसमें आपने याद रखना है कि इसमें हम पेनिसिलिन दे देते हैं।
ठीक है, रूमेटिक फीवर को ट्रीट करने के लिए पेनिसिलिन देनी है आपने, ठीक है।